स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास टेंथ की फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है। बिल्कुल सही आपने सुना, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक, इनफैक्ट जो यूनिट मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूं, उस यूनिट का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल सही, ये फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले आप लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी नाम के एक चैप्टर को पढ़ चुके हैं, तो क्लास टेंथ की फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी के बाद जो अगला चैप्टर जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आज हम करने जा रहे हैं, और उस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का अगर मैं हिंदी वार्तालाप करूं, यानी मैं आपको इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊं, तो इसका बहुत सिंपल सा मतलब है बिजली के चुंबकीय प्रभाव। बिजली के चुंबकीय प्रभाव मतलब आप कहना क्या चाहते हो सर? भाई बिजली भला चुंबक के प्रभाव क्यों देने लगी? भाई बिजली का काम है बिजली के प्रभाव देना, आग का काम है आग के प्रभाव देना, यानी गर्मी का एहसास कराना, कोई भी ठंडी चीज का काम है ठंडक का एहसास कराना, कोई भी गर्म चीज का काम है गर्माहट का एहसास कराना, करंट का काम बिजली का काम होना चाहिए करंट का एहसास कराना यानी बिजली का झटका देना, और चुंबक का काम होता है चुंबक का एहसास कराना यानी चुंबकीय क्षेत्र का एहसास कराना। लेकिन ये चैप्टर इज नॉट टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ मैग्नेट, रादर दिस चैप्टर इज गोइंग टू टॉक अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि बिजली के कारण चुंबकीय प्रभाव आ रहा है? ये तो भाई दो अलग चीजें हैं, भला बिजली के कारण चुंबकीय प्रभाव कैसे आ रहा है? तो बिल्कुल आपने सही सुना, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको ये समझाऊं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का मतलब क्या है और ये चैप्टर हम लोग पढ़ने क्यों जा रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है ये आप अच्छी तरह जानते हैं, यानी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एनी कंडक्टर गिव राइज टू इलेक्ट्रिक करंट। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण करंट का जन्म होता है, एंड दैट इज वाई हम कहते हैं कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, वेयर I स्टैंड फॉर करंट, Q स्टैंड फॉर चार्ज, एंड T स्टैंड फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम जिसमें चार्ज फ्लो कर रहा है। और हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में ये पढ़ के आ चुके हैं कि जब कभी किसी वायर में या जब कभी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो वो करंट हमारे बहुत काम आ सकता है। मतलब आप कहना क्या चाहते हो? देखो, अगर उस इलेक्ट्रिसिटी को हम किसी ऐसे रिएक्शन में इस्तेमाल करें जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कोई रिएक्शन कैरी आउट कर सके, यानी मैं याद दिला रहा हूं आपको क्लास टेंथ के ही केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसके अंदर हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रिसिटी को पास करके वाटर के मॉलिक्यूल का डीकंपोजिशन किया था। बिल्कुल सही आप याद कर रहे हैं, बिल्कुल सही आपको याद आ रहा है, मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन ऑफ वाटर, यानी क्लास टेंथ की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में बिजली का करके इस्तेमाल हमने पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ा था। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी हैज बीन यूज्ड टू कैरी आउट अ केमिकल रिएक्शन? तो जब कभी इलेक्ट्रिसिटी या बिजली का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया की या रासायनिक गतिविधि को कैरी आउट करने के लिए, देन वी कॉल इट एज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी बिजली के रासायनिक प्रभाव। उसके बाद अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिस टॉपिक का नाम था हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी जब कभी कुछ डिवाइसेस में लंबे समय तक करंट पास किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक गीजर, जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, आपके घर में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिनमें अगर आप करंट पास करते हो तो आपको हीट प्रोड्यूस होती है, आप पानी गर्म करते हैं तो आप इलेक्ट्रिक केटल का इस्तेमाल करते हैं, आप कपड़े प्रेस करते हैं तो आप इलेक्ट्रिक प्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक गीजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें आप करंट देते हैं तो आपको बदले में गर्मी का एहसास होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इन एग्जांपल्स में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है? तो अब मैंने बातों बातों में अभी तक जो हमने दो प्रकार के इफेक्ट ऑलरेडी क्लास टेंथ में पढ़े हैं उनका जिक्र कर दिया। एक हम पढ़ चुके हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक हम पढ़ चुके हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी बिजली के
चुंबकीय प्रभाव। अब आपको ये मैंने बता दिया कि बिजली के कारण रासायनिक प्रक्रिया कैसे कैरी आउट होती है, मैंने आपको ये बता दिया कि बिजली के कारण हीटिंग इफेक्ट कैसे आता है। क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बिजली के कारण चुंबकीय प्रभाव आता है ये आपको किसने बताया? तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मैं आपको जो बता रहा हूं वो क्यों बता रहा हूं, पहले हम ये जान लेते हैं कि पूरी दुनिया को किसने बताया। तो हम अब बात करने जा रहे हैं द डिस्कवरी ऑफ दिस पर्टिकुलर इफेक्ट, यानी इस इफेक्ट की जानकारी सबसे पहले किसको पता चली, इस इफेक्ट की जानकारी का मेन रीजन क्या है, यानी इस इफेक्ट की जानकारी का मेन जो कॉज है यानी मेन जो वजह है वो वजह कहां लाई कर रही है। तो आज से कई सालों पहले ऑयस्टर नाम के साइंटिस्ट अपनी फिजिक्स की लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे और वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सर्किट पे, और उस इलेक्ट्रिकल सर्किट पे काम करते करते अचानक से उन्होंने नोटिस किया, मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, अचानक से उन्होंने नोटिस किया कि उनके इलेक्ट्रिकल सर्किट से कुछ दूरी पे पड़े हुए मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैग्नेटिक कंपास क्या होता है। भाई आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि करंट को नापने के लिए डिवाइस होता है जिसे हम कहते हैं एमीटर, वोल्टेज को नापने के लिए एक डिवाइस होता है, एक यंत्र होता है जिसको कहते हैं वोल्ट मीटर। ये दोनों ही डिवाइस अपनी अपनी रीडिंग का इस्तेमाल करके हमें डाटा देते हैं। तो एमीटर करंट की रीडिंग लेके हमें करंट का डाटा देता है, वोल्टमीटर वोल्टेज की रीडिंग लेके हमें वोल्टेज का डाटा देता है, लेकिन इनके अलावा एक और डिवाइस होता है जो केवल और केवल डिटेक्ट करता है करंट की या वोल्टेज की मौजूदगी, जिसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर डिटेक्टिंग द करंट और अ वोल्टेज इन अ सर्किट, एमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर मेजरिंग द करंट ऑफ अ सर्किट, एंड वोल्टमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज फॉर मेजरिंग द वोल्टेज ऑफ अ सर्किट। आई होप मेरी ये बातें आपको समझ आ रही है। ठीक उसी प्रकार किसी भी चुंबक के आसपास मौजूद चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय ताकत को डिटेक्ट करने के लिए, आई रिपीट माई सेंटेंस, ठीक उसी प्रकार किसी भी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय ताकत को डिटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस होता है, यंत्र होता है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक कंपास। अब कोई आपसे पूछे ये मैग्नेटिक कंपास होता क्या है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैग्नेटिक कंपास में कुछ नहीं होता है, फ्रीली सस्पेंडेड नीडल होती है। और जिन बच्चों ने मैग्नेटिक कंपास कभी नहीं देखा है उनको मैं दिखाना चाहूंगा कि मैग्नेटिक कंपास दिखता कैसा है। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि एग्जैक्टली मैग्नेटिक कंपास कैसा होता है। तो मैग्नेटिक कंपास इज नथिंग बट अ डिवाइस जिसके अंदर एक नीडल होती है। तो आपकी जानकारी बताऊं, मेरे पास मैग्नेटिक कंपास है तो क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि देखिए ये एक मैग्नेटिक कंपास है, इस मैग्नेटिक कंपास में ये नीडल है, आप देख रहे हैं इस मैग्नेटिक कंपास में ये नीडल है, इस मैग्नेटिक कंपास में जो ये नीडल है ये नीडल मूव करती है। अब जब ये नीडल मूव करती है तो ये नीडल तभी मूव करती है जब इस मैग्नेटिक कंपास को एहसास होता है कि इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र है। जब तक इस मैग्नेटिक कंपास के आसपास चुंबकीय क्षेत्र नहीं आएगा ये नीडल मूव नहीं करेगी। मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि मैग्नेटिक कंपास एक डिवाइस है विच इज यूज फॉर डिटेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड? जी हाँ सर, हम नहीं मानते, सबूत देके दिखाओ। अरे भाई एक्सपेरिमेंट करके दिखा देते हैं। तो देखिए मैं एक मैग्नेट के पीस को इस मैग्नेटिक कंपास के पास लेके आऊंगा और जिस मैग्नेट का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं उस मैग्नेट को हम कहते हैं बार मैग्नेट। तो देखिए मेरे पास एक बार मैग्नेट है, आपकी जानकारी के बताना चाहूंगा कि दिस इज अ बार मैग्नेट। अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो ये मैग्नेटिक कंपास है और ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट। मैं इस बार मैग्नेट को मैग्नेटिक कंपास के पास लेके जाऊंगा, आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही बार मैग्नेट मैग्नेटिक कंपास के पास आएगा मैग्नेटिक कंपास का नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगा। दिस मींस कि ये कैसा डिवाइस है जो चुंबक के कारण आने वाले चुंबकीय क्षेत्र को डिटेक्ट कर रहा है। तो देखिए ये चीज कैसे हो रही है, आप नोटिस करिए, ये आपने देखा नीडल मूव करी। अब मैं चाहूं तो नीडल को डांस करा सकता हूं, मैं चाहूं तो नीडल को डांस करा सकता हूं, आप देख रहे हैं, मैं देखिए ये देखिए बहुत केयरफुली देखिए, मैं नीडल को डांस करा सकता हूं, मैं नीडल को मूव करा सकता हूं, क्योंकि नीडल लगातार किसके रिस्पॉन्स में मूव कर रही है, इन द रिस्पॉन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि मैंने इसको मूव कराने की कोशिश करी, तो मैं अगर इसको मूव कराना चाहूं तो मूव करा सकता हूं, आप नोटिस कीजिए। तो जो नीडल मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है वो इस नीडल का साउथ पोल है, जो नीडल
का पार्ट मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ जा रहा है, वो इसका नॉर्थ पोल है। ऑब्वियस सी बात है, ये आप जानते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक उसी प्रकार लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब आप कहना हो क्या चाहते हैं सर जी, सिंपल सी बात हूं बताना बच्चों कि नॉर्थ पोल को करता है रिपेल, साउथ पोल को करता है रिपेल, लेकिन नॉर्थ पोल साउथ पोल को करता है अट्रैक्ट और साउथ पोल करता है नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट। यानी लाइक चार्जेस करते हैं एक दूसरे को रिपेल, लाइक पोल एक दूसरे को करते हैं रिपेल, अनलाइक चार्जेस करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट और अनलाइक पोल्स भी करते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट। बेसिक ज्ञान, बेसिक बात, बेसिक चीज आपको समझ आ रही है। तो ये बात जो मैं आपको बताने लगा, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा था, ओयस्टेड के कॉन्टेक्स्ट में। तो आज से कई सालों पहले ओयस्टेड नाम का एक साइंटिस्ट अपने फिजिक्स की लैब में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था। तो जो आपका चैप्टर मैं आपको करा रहा हूं, उस चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल सही आपने नाम सुना है। और मैंने सबसे पहला जो टॉपिक उठाया है इस चैप्टर के अंदर, वो टॉपिक है हमारा ओयस्टेड का एक्सपेरिमेंट। तो ओयस्टेड के एक्सपेरिमेंट में ओयस्टेड ने क्या देखा, ओयस्टेड के एक्सपेरिमेंट में ओयस्टेड ने देखा कि अपनी फिजिक्स की लैब में जब वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा था, तो उसके एक्सपेरिमेंट में पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल की सेल का इस्तेमाल करके जब वो करंट भेज रहा था, तो लेट अस से कि यहाँ पे कोई रेजिस्टर लगाए, लेट अस से कि यहाँ पे हमने कोई बल्ब लगा दिया जिसको हम ग्लो कराने की कोशिश कर रहे हैं, हम एमीटर लगा सकते हैं रास्ते में करंट को नापने के लिए, और अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई की लगा दी, तो ये की को अगर मैं क्लोज करूंगा तो सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो कर रहा है, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट है बेसिक। और ओयस्टेड ने क्या पाया, ओयस्टेड ने पाया कि इस सर्किट के पड़ोस में, इस सर्किट के पड़ोस में पड़े हुए मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन आ रही थी। ओयस्टेड सोचने लगा, यार इलेक्ट्रिकल सर्किट के पड़ोस में पड़े हुए मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन क्यों आ रही है। मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन तो तब आती है जब मैग्नेटिक कंपास के आसपास मैग्नेट होता है। मैंने तो अपनी फिजिक्स की लैब में दूर दूर तक कोई मैग्नेट नहीं रखा, मैं तो वही इलेक्ट्रिकल सर्किट में काम कर रहा हूं। और आप यकीन करेंगे कि ओयस्टेड को शुरुआत में इस बात पे यकीन नहीं हुआ, ओयस्टेड ने इमीडिएटली सर्किट बंद कर दिया, क्योंकि उसे थोड़ा सा लग रहा था कि शायद मुझे कोई कंफ्यूजन हो रही है, चाहे मुझे भ्रम हो रहा है कि मैग्नेटिक कंपास इस सर्किट के पास रखे होने पर हिल रहा है। यानी ओयस्टेड को लग रहा था कि उसे गलतफहमी हो रही है कि मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब ओयस्टेड ने एक्सपेरिमेंट को दोबारा स्टार्ट किया, तो मैग्नेटिक कंपास में फिर डिफ्लेक्शन आ गई। ओयस्टेड कहता है कुछ तो गड़बड़ है, यानी कुछ तो ऐसा है जो मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन पैदा कर रहा है। और लगातार एक्सपेरिमेंट्स करे जाने के बाद ओयस्टेड को फाइनली पता चल गया कि मैग्नेटिक कंपास में जो डिफ्लेक्शन आ रही है वो किसी मैग्नेट की वजह से तो बिल्कुल नहीं आ रही, क्योंकि उसके इलाके में, उस एरिया में, उस लेबोरेटरी में उस समय दूर दूर तक कोई मैग्नेट का पीस था नहीं, चुंबक का टुकड़ा था नहीं, तो चुंबक के क्षेत्र था नहीं तो चुंबक की ताकत थी नहीं, चुंबकीय ताकत थी नहीं तो मैग्नेटिक कंपास डिटेक्ट किसे कर रहा था, किसी ऐसी चीज को जो चुंबकीय प्रभाव दे रहा है। यानी मैं कोई भी आग नहीं लगा रहा लेकिन गर्मी का प्रभाव आ रहा है, मैं पंखा नहीं चला रहा लेकिन हवा का प्रभाव आ रहा है, मैं एसी नहीं चला रहा लेकिन ठंडक लग रही है। अरे वाह, जादू हो रहा है जी। जो चीज जिस चीज से आनी चाहिए वो चीज वहां मौजूद नहीं है, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है वो वहां पे। तो आग से गर्मी का प्रभाव आता है लेकिन आग नहीं है, गर्मी आ रही है। कूलर से एसी से ठंडक का प्रभाव आता है, कूलर नहीं है एसी नहीं है ठंडक आ रही है। हवा से हवा का प्रभाव आता है, हवा निकलने के लिए, हवा पैदा करने के लिए कुछ नहीं है, पंखा चलेगा लेकिन फिर भी हवा लग रही है। यानी कुछ तो और है जो इफेक्ट पैदा कर रहा है उस चीज का जो वहां है नहीं। यानी चुंबक है नहीं लेकिन फिर भी चुंबक के प्रभाव है, तो कुछ तो है जो चुंबक के प्रभाव को पैदा कर रहा है। यही बात ओयस्टेड ने दुनिया को बतानी चाहिए। ओयस्टेड ने कहा, आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू अ कंक्लूजन टू द एंटायर वर्ल्ड, और आपके सामने मैं बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आना चाहता हूं, बिजली के चुंबकीय प्रभाव। यानी किसी भी वायर में जब बहता है करंट, तो उस वायर में करंट के बहने के कारण, आई रिपीट माई सेंटेंस, ये बात ओयस्टेड ने कही कि जब भी किसी वायर में बहता है करंट, तो उस वायर में करंट के बहने के कारण
पैदा होता है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। और क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र एक प्रकार का प्रभाव है, तो इंग्लिश में से, साइंस में से कहा गया मैग्नेटिक इफेक्ट। लेकिन ये प्रभाव चुंबक का नहीं है, ये प्रभाव बिजली का है। क्योंकि ये प्रभाव बिजली का है इसलिए इसे कहा गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपको पता चल गया होगा कि चैप्टर का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्यों रखा गया। तो इट वॉज एक्चुअली ऑयस्टेड हु इन हिज एक्सपेरिमेंट कंक्लूडेड कि व्हेनेवर सम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू अ सर्किट और व्हेनेवर सम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू एनी वायर देन अ करंट कैरिंग वायर गिव राइज टू चुंबकीय क्षेत्र। आई रिपीट माई सेंटेंस, करंट को कैरी करने वाली कोई भी तार अपने आसपास चुंबक के क्षेत्र को जन्म देगी और करंट को कैरी करने वाले तार के कारण उसके आसपास पैदा होने वाले चुंबकीय क्षेत्र को डिटेक्ट करने के लिए अगर हम मैग्नेटिक कंपास यूज करें तो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन शो करेगी, यानी मैग्नेटिक कंपास मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट को डिटेक्ट करेगा। और इस मैग्नेटिक इफेक्ट को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट के कारण है, चुंबक के कारण नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या पहले से थी? नहीं थी। क्या मैं कह सकता हूं कि इसको पैदा किया गया? कौन सी बात है, बिजली है तो चुंबकीय क्षेत्र है, बिजली बंद कर दो चुंबकीय क्षेत्र चला जाएगा। यानी ये एक ऐसा इफेक्ट है जो एक्चुअली में वहां होता नहीं है लेकिन वहां आ जाता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये इफेक्ट वो है जिसको पैदा कर दिया जाता है अचानक से? क्योंकि ये इफेक्ट पैदा हो रहा है तो पैदा होने वाली इस मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। आई रिपीट माई सेंटेंस, पैदा होने वाली इस मैग्नेटिक फील्ड को कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैं कह सकता हूं कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है वो चुंबकीय क्षेत्र, आई रिपीट माय सेंटेंस, वो चुंबकीय क्षेत्र जो वायर में करंट के फ्लो के कारण पैदा होता है। बिल्कुल सही आपने सुना, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक वो चुंबकीय क्षेत्र। अरे भाई ये चुंबकीय क्षेत्र क्या है, साइंस की भाषा में अगर आपको समझाऊं तो चुंबकीय क्षेत्र को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल सही आपने नाम सुन लिया, मैग्नेटिक फील्ड। अब फील्ड का एक और मतलब होता है, फील्ड का मतलब होता है इलाका, फील्ड का मतलब होता है क्षेत्र, फील्ड का मतलब होता है एरिया, फील्ड का मतलब होता है स्पेस, फील्ड का मतलब होता है विसिनिटी। यानी बहुत सारे अलग अलग शब्दों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फुटबॉल फील्ड को फुटबॉल फील्ड कहते हैं क्योंकि वह फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट फील्ड को क्रिकेट फील्ड कहते हैं या क्रिकेट स्टेडियम कहते हैं क्योंकि वह क्रिकेट खेलते हैं। ठीक उसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि वह मैग्नेट नहीं खेलते, क्योंकि वह मैग्नेट की ताकत होती है। बिल्कुल सही आपने सुना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो फील्ड मतलब इलाका, किसी भी चुंबक के आसपास का वो इलाका जिस इलाके में वो चुंबक किसी दूसरी वस्तु पे अपना चुंबकीय प्रभाव डाल सके, यानी द स्पेस और द एरिया अराउंड अ गिवन मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन कैन बी एक्सपीरियंस by any other object is called as magnetic field. तो magnetic field magnet की होती है, magnet के आसपास का वो इलाका जिस इलाके में कोई दूसरी वस्तु या तो magnet के प्रति आकर्षित होगी या तो magnet से repel होगी। तो अगर magnet के आसपास का कोई इलाका है तो हमें कैसे पता चलेगा सर वो इलाका कितना बड़ा है? तो जब ये बात जानने की कोशिश की गई तो ऑयस्टेड ने इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताने की कोशिश करी, और जब ऑयस्टेड ने इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताने की कोशिश की तो ऑयस्टेड पे बहुत सारे सवाल उठाए गए। अब बात करते हैं कि ऑयस्टेड ने क्या क्या बताया और ऑयस्टेड पे क्या क्या सवाल उठे। तो सबसे पहला सवाल जो ऑयस्टेड पे उठा वो उसके एक्सपेरिमेंट उठा कि ऑयस्टेड ये तुमने क्या कर दिया। ऑयस्टेड कहता है क्यों भाई, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? जो मैंने किया वो मैं तुम्हें दिखा सकता हूं और जो मैं तुम्हें दिखा सकता हूं उसके रिलेटेड तुम मुझसे करोगे सवाल तो मैं तुम्हें बता सकता हूं।
लोगों ने कहा चलो बताओ कि तुमने क्या किया। ऑयस्टर कहता है देखो मैंने बिजली को वायर से पास किया, यानी मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया और मैंने ये देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर के इलाके में नजदीक पड़े हुए मैग्नेटिक कंपास में आ रही है डिफ्लेक्शन। मैंने कभी मैग्नेटिक कंपास को ऊपर रखा, कभी नीचे रखा, कभी दाएं रखा, कभी बाएं रखा, कभी आगे रखा, कभी पीछे रखा और न जाने कहां कहां रखा, लेकिन जब जब जहां जहां मैंने बिजली के इलाके में रखा, जब जब जहां जहां मैंने करंट के पास रखा, मैंने ये पाया, मैंने ये देखा कि जो मैग्नेटिक कंपास मैं वायर के इलाके में रख रहा हूं या वायर के आसपास रख रहा हूं, वो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। और क्योंकि मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो इसका मतलब कि जरूर मैग्नेटिक कंपास को चुंबकीय ताकत मिल रही है, लेकिन मैग्नेटिक कंपास के इलाके में चुंबक तो है नहीं। क्योंकि चुंबक है नहीं तो कुछ तो ऐसा है जो चुंबकीय प्रभाव को जन्म दे रहा है। तो ऑयस्टर ने कह दिया दुनिया वालों को कि दुनिया वालों बिजली है लेकिन चुंबक नहीं है, फिर भी चुंबकीय प्रभाव को डिटेक्ट किया जा रहा है। इसका मतलब चुंबकीय प्रभाव कहां से आ रहा है, बिजली से। एंड हेंस ही कंक्लूडेड दैट द इलेक्ट्रिक करंट गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड, नॉट जस्ट मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। लोगों ने कहा अच्छा बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन बात बताओ तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में हमने एक चीज नोटिस करी। ऑयस्टर ने कहा तुमने क्या नोटिस किया, अब आपको बताता हूं कि क्या नोटिस किया। देखो ऑयस्टर ने बताया कि जब इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है कुछ ऐसे, मेरी बात सुनो, करंट फ्लो कर रहा है कुछ ऐसे, तो ऑयस्टर ने उनको एक्सपेरिमेंट करके जब दिखाया तो क्या हुआ, ये देखा गया कि ये वायर में जब करंट ऊपर जा रहा था तो ये वाली जो नीडल है, आई रिपीट माय सेंटेंस, ये वाली जो नीडल है, ये नीडल इस वायर से दूर गई, यानी ये नीडल जो है वो इनिशियली थी ऐसे और नीडल शिफ्ट हो गई ऐसे, यानी नीडल कहां शिफ्ट हो गई, इस तरफ शिफ्ट हो गई, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, साउथ पोल और नॉर्थ पोल इस तरह से हो गए। इस वायर में भी ऐसा ही हुआ, नीडल इस तरफ शिफ्ट हो गई। और आप यकीन करेंगे ऑयस्टर पे क्वेश्चन क्या उठाया गया, ऑयस्टर से ये पूछा गया कि ऑयस्टर एक बात बताओ, इस पूरे सर्किट में इस वाली वायर में करंट जा रहा है ऊपर, इस वाली वायर में करंट जा रहा है नीचे। ऑयस्टर से पूछा गया कि ऑयस्टर एक बात बताओ, इस वाली वायर में करंट जा रहा है ऊपर, इस वाली वायर में जा रहा है करंट नीचे, अरे जब इसमें जा रहा है ऊपर, इसमें जा रहा है नीचे, दोनों में है करंट की दिशा अलग, जब दोनों में है करंट की दिशा अलग तो फिर क्यों, जब दोनों में है करंट की दिशा अलग तो फिर क्यों इन दोनों के नजदीक, इन दोनों के नजदीक पड़े हुए मैग्नेटिक कंपास, पड़े हुए मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन है सेम। देखो करंट कहां है, ऊपर, डिफ्लेक्शन कहां है, इधर, करंट कहां है, नीचे, लेकिन डिफ्लेक्शन कहां है, इधर। यही क्वेश्चन ऑयस्टर से पूछा, अरे मेरे भाई ऑयस्टर ये बता दो कि जब दोनों वायर में करंट की दिशा है अलग, तो जब करंट की दिशा है अलग तो फिर मैग्नेटिक कंपास के डिफ्लेक्शन की दिशा भी होनी चाहिए थी अलग, लेकिन मैग्नेटिक कंपास के डिफ्लेक्शन की दिशा है सेम, तो ये बताओ ऐसा क्यों हुआ। ऑयस्टर कहता है क्वेश्चन तो अच्छा किया है, पूछी तो एकदम तुमने सही चीज है, रुक जाओ मैं तुम्हें बताता हूं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इससे पहले कि ऑयस्टर इस बात को क्लियर कर पाता, ऑयस्टर की बात को क्लियर करने के लिए एक दूसरे साइंटिस्ट ने अपना सहयोग दिया, और जिस साइंटिस्ट ने अपना सहयोग दिया उस साइंटिस्ट ने यह कहा कि देखो जो वायर में करंट फ्लो करता है उस वायर में करंट के फ्लो करने के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है, और जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र कैसा है ये पता लगाना बहुत जरूरी है। लोगों ने कहा चुंबकीय क्षेत्र कैसा है ये पता लगाने की जरूरत है, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बात का जवाब जब ऑयस्टर नहीं दे पाया तो इस बात का जवाब मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया, और मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने एक रूल दिया, और उस रूल को उन्होंने कहा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। बिल्कुल सही आपने सुना, मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट ने जो रूल दिया उस रूल को कहा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अब हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल है क्या, तो आपकी जानकारी के लिए बताने जा रहा हूं मैं अगला टॉपिक इसी चैप्टर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है और मैक्सवेल ने क्या कहा।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैक्सवेल ने बेसिकली एक रूल दिया और उस रूल को हम कहते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, मैक्सवेल ने एक रूल दिया उसे हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्सवेल ने कहा कि कोई भी तार में अगर करंट बह रहा है ऊपर की दिशा में, या कोई भी तार में करंट बह रहा है नीचे की दिशा में, तो इसका मतलब कि कोई भी तार में जब करंट बह रहा है तो करंट कैरिंग वायर है, क्योंकि वो करंट कैरिंग वायर है। तो मैक्सवेल ने कहा कि करंट को कैरी करने वाली वायर, आई रिपीट माय सेंटेंस, करंट को कैरी करने वाली वायर अपने आसपास जब चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देती है तब उस क्षेत्र की एक स्पेसिफिक पोलैरिटी होती है। ये बात मैक्सवेल ने कही, दैट इज आइदर इट इज गोइंग टू बी लाइक अ नॉर्थ पोल और इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू साउथ पोल। कुछ लोगों ने कहा मैक्सवेल तुम क्या बोल रहे हो, थोड़ा क्लियर करो बात को। मैक्सवेल ने कहा देखो यार एक बात बताओ, चुंबक क्या होता है? लोगों ने कहा चुंबक होता है, चुंबक के पास नॉर्थ पोल होता है, चुंबक के पास साउथ पोल होता है। उसने कहा कि जब चुंबक के पास नॉर्थ पोल होता है, चुंबक के पास साउथ पोल होता है, तो हर वो चीज जो चुंबक जैसी है या हर वो चीज जो चुंबक की तरह मैग्नेटिक इफेक्ट शो कर रही है, उसके पास भी नॉर्थ पोल साउथ पोल होना चाहिए। लोगों ने कहा ऐसा कैसे, हर चीज चुंबक तो नहीं है? लेकिन मैक्सवेल ने कहा हर चीज चुंबक नहीं है, लेकिन हर चीज में से कुछ चीजें चुंबक की तरह बिहेव तो कर रही है। लोगों ने कहा यह बात तो सही है, जैसे कि यहां पे ये वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है एक चुंबक की भांति बिहेव कर रही है। अरे जब वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है वो चुंबक की भांति बिहेव कर रही है, तो चुंबक की तरह उसमें चुंबकीय पोल आना चाहिए, पोलैरिटी आनी चाहिए, यानी उसमें नॉर्थ पोल आना चाहिए, उसमें साउथ पोल आना चाहिए। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि किस वायर में कौन सा पोल नॉर्थ पोल या साउथ पोल, ये बताया मैक्सवेल ने। यानी मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, आई रिपीट माय सेंटेंस गिव्स द पोलैरिटी ऑफ अ करंट कैरिंग वायर, यानी किसी भी करंट को कैरी करने वाली वायर की पोलैरिटी के बारे में। पोलैरिटी का मतलब या तो नॉर्थ पोल या तो साउथ पोल। अरे सर ठीक है आपने बता दिया कि मैक्सवेल ने क्या है बताया, अरे जो मैक्सवेल ने बताया कम से कम आप तो समझाओ कि उसने बताया क्या। तो ये चीज मैं आपके लिए मिटा रहा हूं और आपको ये बात फिर से बता रहा हूं कि मैक्सवेल ने क्या कहा। मैक्सवेल ने कहा कि अगर किसी वायर में करंट जा रहा हो या तो ऊपर, और अगर किसी वायर में करंट जा रहा हो या नीचे, तो अपने थंब का इस्तेमाल करो। देखो जी थंब का इस्तेमाल करो, तो अगर मैं थंब का इस्तेमाल करूं तो ये मेरा थंब मैंने इस्तेमाल किया, तो अगर मैं थंब का इस्तेमाल करता हूं तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस तरह से ये फिंगर्स आ गए। कैन यू नोटिस, अब आप देख पा रहे हैं, ये आप नोटिस कर पा रहे हैं मेरी बात को, आप नोटिस कर पा रहे हैं, यानी मैंने अपने थंब का इस्तेमाल किया, तो ये अगर मेरा राइट हैंड है, तो ये मेरा थंब है जो ऊपर काम कर रहा है। तो अगर मेरा थंब ऊपर काम कर रहा है और मैंने अपनी फिंगर्स को इस तरह से रोटेट किया है, तो नोटिस करिए थंब ऊपर पॉइंट कर रहा है और फिंगर्स की रोटेशन जो आ रही है वो इस दिशा में आ रही है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। कब तब जब करंट है ऊपर। आओ बात करें इसमें, ये देखो, इसमें अगर मैं थंब को नीचे करता हूं, देखिए ध्यान से, अगर मैं
फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं थम को नीचे करता हूं तो फिंगर्स जो है वो कुछ इस तरह से आएंगे। तो ध्यान से देखिए, यहां पे आप नोटिस करिए, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये मेरा हैंड मैंने कंप्लीट कर दिया और ये मेरा थम जो नीचे की तरफ बना रहा हूं ये आप नोटिस कर रहे हैं। तो आप नोटिस कीजिए, इस सिचुएशन में जब मैंने थम ऊपर रखा तो फिंगर्स रोटेट कर रही थी इस दिशा में, इस सिचुएशन में जब मैंने थंब नीचे रखा तो फिंगर रोटेट कर रही है इस दिशा में, यानी क्लॉकवाइज दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में, यानी क्लॉकवाइज दिशा में। अब इस बात से आप समझे क्या, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैक्सवेल ने यह कहा कि जब भी किसी वायर में बहता है करंट तो करंट के कारण पैदा होता है चुंबकीय क्षेत्र का एक चुंबकीय पोल, लेकिन चुंबकीय पोल होगा कौन सा, इस बात को पता लगाने के लिए इन्होंने रूल दिया, उसको मैं अब आपको डिफाइन करूंगा। आपको पूछा जा सकता है डिफाइन मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, इफ वी होल्ड एनी करंट को कैरी करने वाला कंडक्टर, इफ वी होल्ड एनी करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो अगर करंट ऊपर जा रहा है तो थंब ऊपर पॉइंट करेगा, अगर करंट नीचे जा रहा है तो थंब नीचे पॉइंट करेगा, लेकिन जब थंब नीचे पॉइंट करता है तो फिंगर ऐसे घूम जाती है और जब थंब ऊपर पॉइंट करता है तो फिंगर ऐसे घूम जाती है। तो मैक्सवेल सेड इफ वी होल्ड एनी करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड सच दैट द थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट देन द डायरेक्शन इन विच द फिंगर्स विल कर्ल विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द पोलैरिटी। I repeat my sentence. Then the direction in which the fingers will curl will give the direction of polarity. हमने कहा यार इसमें तो थंब जा रहा है ऊपर, फिंगर घूम रही है ऐसे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। अब एंटी क्लॉकवाइज से कौन सा पोल है ये हमें कैसे पता चलेगा, यही आपको मैं बताने जा रहा हूं। तो सुनिए, एंटी क्लॉकवाइज से ये देखो, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल। ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी किसी वायर में करंट है जाता ऊपर, जब भी करंट जाता ऊपर तब हम मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगाते, तो फिंगर की कर्लिंग की दिशा को पता है लगाते, उसको पता लगा के मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी है बताते, जब मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी है बताते तो बताने से पहले उसे पहचानते, जब उसे पहचानते तो कैसे है पहचानते, ऐसे है पहचानते एंटीक्लॉकवाइज होता तो नॉर्थ पोल है कहते, एंटीक्लॉकवाइज होता तो नॉर्थ पोल है कहते। इसको देखो अब इसे कैसे पहचानते, साउथ पोल, तो साउथ पोल के लिए कौन सी पोलैरिटी, साउथ पोलैरिटी, एंटीक्लॉकवाइज के लिए कौन सी पोलैरिटी, नॉर्थ पोलैरिटी। अरे साफ साफ बोल देते ना सर, इतना डिटेल में जाने की क्या जरूरत थी, डिटेल में तो जाना बनता है, आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, कोई छोटी मोटी क्लास की बात तो है नहीं कि बता दूं और वजह भी क्लियर ना करूं। तो जो बच्चे आगे चल के साइंस लेने वाले हैं और क्लास 12th तक साइंस पढ़ने वाले हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूरा चैप्टर एज इट इज फिजिक्स में क्लास 12th में रिपीट होता है। किसी भी क्लास 12th के बच्चे के साथ आप ये बात शेयर कर सकते हो, आप पूछ सकते हो उनसे कि भाई हम जो ये क्लास 10th में पढ़ रहे हैं क्या आपने भी पढ़ा है, वो आपको कहेगा जी बिल्कुल पढ़ा है। तो क्लास 10th में अगर इस बात को थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे तो क्या बुरा है, तैयारी तो क्लास 12th की हो जाएगी आपके लिए, क्लास 10th का तो एडवांटेज आपको लेना ही है, क्लास 12th के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक डायरेक्शन, मैग्नेटिक पोलैरिटी एज पर मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल पता चल गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑयस्टेड की गलती को कैसे है सुधारा गया, तो वापस आपको ऑयस्टेड के डायग्राम पे लेके जाता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऑयस्टेड जो बता रही पाया था वो बात मैक्सवेल ने बताई, और ऑयस्टेड ने जब ये बात मैक्सवेल की मदद से दुनिया को बताई तो ऑयस्टेड ने कहा, दुनिया वालों तुमने मुझसे पूछा था कि करंट जा रहा है ऊपर, करंट जा रहा है नीचे, फिर भी निडल ऐसे
तो ऑयस्टेड से क्वेश्चन ये पूछा है गया कि ऑयस्टेड जरा ये तो बताओ कि जब करंट की दिशा है अलग तो फिर क्यों डिफ्लेक्शन है सेम। तो ऑयस्टेड ने कहा कि मैक्सवेल ने जो बताया उस बात को सुनो, मैक्सवेल ने जो समझाया उस बात को अपने दिमाग में बुनो, उसके बाद समझदारी का इस्तेमाल करके अपने आंसर को चुनो। तो क्या है मैक्सवेल ने बताया, ये बात आपको है सुननी, और जब आपको है सुननी तो दुनिया को तो सुननी पड़ेगी, आपको समझ आएगी तो दुनिया को भी समझ आएगी, तो पहले समझ लो आप ताकि समझ आ जाए सबको। तो क्या कहा मैक्सवेल ने, कहा कि जब वायर में करंट जाता है ऊपर, जब वायर में करंट जाता है ऊपर तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल में कौन सी पोलैरिटी, नॉर्थ पोलैरिटी, तो यहां कौन सा पोल पैदा हुआ, सब पोल पैदा हुआ, तो यहां कौन सा पोल पैदा हुआ, यहां पे नॉर्थ पोल पैदा हुआ, और क्योंकि यहां पे नॉर्थ पोल पैदा हुआ तो नॉर्थ पोल ने नीडल के नॉर्थ पोल को धक्का मारा, नॉर्थ पोल ने नीडल के साउथ पोल को अट्रैक्ट किया, ये तो हम जानते हैं, तो पता चल गया। अब वहां पे देखो क्या हुआ, यहां पे करंट जा रहा है नीचे, क्योंकि करंट जा रहा है नीचे तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल के अनुसार यहां पे कौन सा पोल पैदा हुआ, कौन सा पोल पैदा हुआ, कौन सा पोल पैदा हुआ, साउथ पोल, साउथ पोल, साउथ पोल। इसका मतलब ये हुआ कि इस वायर में नीचे जाने वाले करंट के कारण पैदा होने वाले साउथ पोल ने नीडल के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट किया और नीडल के साउथ पोल को रेपल किया। अरे वाह भाई वाह, बेसिक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कुछ मुश्किल तो नहीं बता दिया, सिंपल लॉजिक समझा दिया कि कैसे एक बिजली के कारण चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है और कैसे उस बिजली के कारण पैदा होने वाले चुंबकीय क्षेत्र को डिटेक्ट करने के लिए मैग्नेटिक कंपास का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन मैग्नेटिक कंपास में आई हुई डिफ्लेक्शन की दिशा को समझाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को आपको बताया जा रहा है। तो आई होप आपको पता चल गया कि मैग्नेटिक कंपास कितना काम आ रहा है, आपको ये पता चल गया कि किसी भी वायर में जब बहता है करंट तो करंट के कारण जब पैदा होता है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की होती है जो पोलैरिटी, उस पोलैरिटी की जानकारी कैसे मिलती है, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से मिलती है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। तो इस चैप्टर के अंदर जब हम टॉपिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक ही हमारा ऑयस्टेड का एक्सपेरिमेंट है जो मैंने आपको बता दिया, दूसरा टॉपिक हमारा मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल है जो मैंने आपको बता दिया, तीसरा टॉपिक आता है हमारा जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आइए अब जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ये भी तो बता ही दिया एक तरह से, थोड़ी देर पहले तो कहा था किसी भी चुंबक के आसपास का वो क्षेत्र जिसमें उस चुंबक के कारण आने वाले चुंबकीय प्रभाव को डिटेक्ट किया जा सकता है, यानी द स्पेस और द एरिया और द विसिनिटी अराउंड अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन ऑफ अ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड बाय एनी अदर ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के द्वारा चुंबक के कारण आने वाले चुंबकीय क्षेत्र को जब डिटेक्ट किया जाता है तो जिस इलाके में ये काम होता है उस इलाके को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको समझाना चाहूंगा ये चीज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके, तो छोटे से एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मेरे पास कुछ मैग्नेट के पीसेस हैं और मैग्नेट के पीसेस के साथ साथ मैं इस्तेमाल करूंगा आयरन फिलिंग्स का। आयरन फिलिंग्स क्या होती है आप अच्छी तरह जानते हैं, आयरन इज अ मेटालिक ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मेटल, जो कि मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट होगा, क्योंकि आयरन मैग्नेट के प्रति अट्रैक्ट होगा। तो आयरन फिलिंग्स का जब मैं इस्तेमाल करूंगा तो आप नोटिस करेंगे कि आयरन फिलिंग्स इमीडिएटली मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट सम पीसेस ऑफ आयरन टूवर्ड्स इट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिज्म, यानी चुंबक की इस प्रॉपर्टी जिसके तहत वो किसी भी आयरन फिलिंग्स को या किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट को अपने प्रति आकर्षित कर रहा है, इस प्रभाव को उसकी चुंबकीय ताकत कहते हैं या उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, या फिनोमेना की अगर बात करूं तो उसे हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिज्म, तो व्हाट इज मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट सम पीसेज ऑफ आयरन फिलिंग्स टूवर्ड्स इट। तो आइए आपको ये चीज मैं डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं। तो ये देखेंगे आप मेरे सामने, मेरे पास है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी एक बार मैग्नेट
और मैं ये एक दूसरा बार मैग्नेट इस्तेमाल कर रहा हूं। तो देखिए अभी आप नोटिस करेंगे मैंने दोनों बार मैग्नेट को इस तरह से, ये देखिए अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो मैंने चिपकाने की कोशिश करी, ये चिपक गया। अगर मैं, आप देखिए बहुत गौर से देखिए, मैं आपके पास लाऊंगा इस चीज को, आप नोटिस कर पा रहे हैं कि ऊपर ऊपर कौन सा पोल है, ऊपर साउथ पोल है, क्योंकि ऊपर बार मैग्नेट का साउथ पोल है और नीचे नॉर्थ पोल है, तो साफ पता चल रहा है कि ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अगर मैं ये पोलैरिटी रिवर्स करने की कोशिश करूं तो मैं चाहकर भी इनको पास नहीं ला सकता, ये एक दूसरे को रेपल कर रहे हैं। जबरदस्ती तो कर सकता हूं लेकिन अगर मैं छोड़ने की कोशिश करूंगा तो गिर जाएगा, यानी ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रेपल कर रहे हैं। तो अगर एक बच्चा कहता है मैं तो देखना चाहता हूं रेपल करते हुए, तो आइए इस चीज को मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं। ये देखिए, कैन यू सी दिस, अगर ये नॉर्थ पोल है और लेट अस से कि मैंने नॉर्थ पोल इसके सामने लाने की कोशिश करी, तो अगर ये ऑपोजिट हुआ तो चिपक जाएगा, अगर ये ऑपोजिट नहीं हुआ तो रेपल होगा। गौर से देखिए ये देखिए, ये मैं पास, और देखिए कैन यू सी दिस, आपने देखा ये रेपल हुआ। अब मैं से फिर से पास लाया और देखिए कैसे रेपल हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इस चुंबक के क्षेत्र में जब ये चुंबक आया तो इस चुंबक ने अपने क्षेत्र की, अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इस चुंबक के क्षेत्र की ताकत में इंटरफेयर किया, तभी तो फोर्स एक्सपीरियंस किया। इसी क्षेत्र को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। गौर से देखिए ये देखिए, अभी मैं वापस इसको ला रहा हूं, देखते हैं रेपल्शन होता है कि नहीं होता है। आप देखिए ये देखिए कैन यू सी दिस ये देखिए, अब मैं इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं इसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करता हूं तो ये देखिए कैन यू सी दिस, गौर से देखिएगा, दोबारा देखिएगा अगर आप नोटिस करें ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और ये अट्रैक्ट हो गया। तो दिस इज हाउ द अट्रैक्शन टेक्स प्लेस। यही अगर मैं आयरन फिलिंग्स का इस्तेमाल करता तो आयरन फिलिंग्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट कैसे होता, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आयरन फिलिंग्स का इस्तेमाल कर रहा हूं और आयरन फिलिंग्स को अपने हाथों पे अगर मैं स्प्रेड करता हूं इस तरह से, अगर आयरन फिलिंग्स को मैं अपने हाथों पे स्प्रेड करता हूं तो मेरे हाथों पे आयरन फिलिंग्स के स्प्रेड हो जाने के बाद मैं बार मैग्नेट का इस्तेमाल करके एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो आप गौर से देखिएगा, मैं चीज आपको बहुत ज्यादा केयरफुली दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आयरन फिलिंग्स है एंड दिस इज द नॉर्थ पोल का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं नॉर्थ पोल को आयरन फिलिंग्स के पास लाया एंड कैन यू सी दिस, ये आप देखिए कितना प्यारा, कितना सिंपल तरीके से ये आप नोटिस कर पा रहे हैं, ये देखिए ब्यूटीफुल, ये देखिए कैन यू सी दिस, आप नोटिस कर पा रहे हैं कि आयरन फिलिंग्स नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो चली है, आयरन फिलिंग्स नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो चली है। आपको ये बात समझ आ रही है, अगर मैं इस आयरन फिलिंग्स को इस नॉर्थ पोल से और दूर करने की कोशिश करूं तो मैं इस्तेमाल कर रहा हूं मैग्नेट का नॉर्थ पोल। ये देखिए ये आयरन फिलिंग दूर चली गई, कैन यू सी दिस, रिपल्शन हो रहा है। और यही अगर मैं पोलैरिटी को चेंज करूं तो कैन यू सी दिस, अट्रैक्शन हो रहा है। ये देखिए, आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं। मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश करी है। यही अगर मैं इसको यहां लेकर आता हूं तो रिपल्शन है, यही अगर मैं इसको यहां लेकर आता हूं तो अट्रैक्शन है, क्योंकि ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लाइक पोल एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही है, एंड खास करके जब आप चीजों को अपने आसपास लाइव देखते हैं ना तो ज्यादा अच्छा समझ आता है। तो किसी भी मैग्नेट के आसपास का वो इलाका जिस इलाके में उस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव को स्टडी किया जा सकता है, उस इफेक्ट, उस प्रभाव को या उस एरिया को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब सवाल आता है, सर ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें पता कैसे चलेगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड आंखों से दिख रही है? बिल्कुल नहीं दिख रही आंखों से। तो मैग्नेटिक फील्ड आंखों से नहीं दिखती, लेकिन ये एक इमेजिनरी इलाका है। अगर आप आग के पास खड़े हो तो क्या जल जाओगे? जब तक बहुत नजदीक नहीं जाओगे एटलीस्ट तब तक तो नहीं जलोगे, और गर्मी दूर दूर खड़े खड़े तो मिल नहीं जाएगी, पास जाओगे तो हाथ सेकोगे तो गर्मी आएगी। यानी एक इमेजिनरी इलाका है, जब तक इफेक्ट नहीं आएगा तब तक आप कह नहीं सकते कि इस इलाके में जाओगे तो आग लग जाएगी, आप कहोगे पास जाओगे तो इफेक्ट आएगा, देखो भाई जाके देख लो। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड?
A magnetic field is an imaginary space or an area or a vicinity around a magnet in which the force of attraction or repulsion can be experienced by any other object. अब इस मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाने के लिए जो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट दिया गया है, जो इमेजिनरी लाइंस दी गई हैं, उन इमेजिनरी लाइंस को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बिल्कुल सही आपने सुना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या चीज है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी मैग्नेट के आसपास बनाई हुई इमेजिनरी लाइंस हैं जो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को दर्शाती है। तो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो आप कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन अराउंड अ मैग्नेट सच दैट व्हेनेवर दे आर ड्रॉन दे रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के आसपास बनाए जाने वाली वो इमेजिनरी लाइंस हैं जिनकी मौजूदगी मैग्नेट के पास मैग्नेट की चुंबकीय ताकत का अंदाजा लगाती है, अंदाजा बताती है, मैग्नेट की चुंबकीय ताकत को बताती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी मैग्नेट के आसपास होगी उतनी ज्यादा मैग्नेट की ताकत होगी, जितनी कम किसी मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी उतनी कम उस मैग्नेट की ताकत होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस ड्रॉन अराउंड अ मैग्नेट सच दैट दे रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट सच दैट दे रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। सवाल आता है सर इमेजिनरी है तो इमेजिनेशन से कुछ तो बनाया होगा। हम स्टडी करने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आइए जानते हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए अब हम स्टडी करते हैं कि क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हमारा अगला टॉपिक जो हम उठाने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल आपने सही सुना, उसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, इसके लिए अलग से अगला वीडियो लेक्चर मैं लेके प्रेजेंट होगा, लेकिन अभी जो रिप्रेजेंटेशन वाली बात है कम से कम वो तो बता दूं। अगर ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, अगर ये बार मैग्नेट है, मैंने आपके लिए बना दिया पहले से, आप देखिए, अगर ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट के आसपास ये इमेजिनरी लाइंस इस तरह से दिखाई जाती है कि सच दैट ये कहा जाता है कि ये लाइंस नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ पोल में जा रही हैं, नॉर्थ पोल से निकल रही हैं और साउथ पोल में जा रही हैं, और इन लाइंस की मौजूदगी किसी भी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र की ताकत का अंदाजा लगाने में हमारी करती है मदद। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। लेकिन ये काफी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। मैं इस यूनिट का, इस चैप्टर का जो सेकंड वीडियो लेक्चर लेके प्रेजेंट होगा उसमें हम जो बातें शुरू करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टॉपिक से ही स्टार्ट करेंगे। सो आई होप कि आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जितना भी दिया है आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो अपने तक सीमित मत रखो। बोर्ड के एग्जाम्स हैं, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट जिनको प्रॉब्लम हो रही है आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, आप उनके साथ ये वीडियो लेक्चर शेयर कर सकते हैं और उन तक इस वीडियो लेक्चर को पहुंचा सकते हैं ताकि मेरे द्वारा बताई हुई सब चीजों का फायदा हर व्यक्ति को मिले। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इट्स माई रिक्वेस्ट दैट डू शेयर द वीडियो विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स एंड डू नॉट स्टॉप वर्किंग हार्ड। कीप वर्किंग हार्ड, योर एग्जामिनेशन टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। Thank you for watching this video. Thank you, children. Stay blessed.